अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें। आज हम लोग मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए दीपक कार्ड का प्रयोग देखेंगे कि इसकी मदद से हम कैसे मदरबोर्ड को रिपेयर करते हैं। इस कार्ड के अंदर 8 LEDs का प्रयोग किया गया है जिनमें -12 वोल्टेज, +12 वोल्टेज, +3.3, +5, क्लॉक, फ्रेम, रेडी और रीसेट होता है। चारों LEDs के जलने का, चारों पावर की LEDs के जलने का मतलब होता है कि बोर्ड के अंदर जो पावर आ रही हो करेक्ट। उसके बाद आता है क्लॉक। जब आपके मदरबोर्ड के ऊपर लगाने के बाद जो यहाँ पे कोडिंग आती है, अगर ये कोडिंग 4 से 5 बार ब्लिंक करे तो यानी कि आपका क्लॉक खराब है, ठीक है। तो क्लॉक को चेक करने के लिए आपको क्लॉक जनरेटर आईसी बोर्ड के ऊपर ये होती है और इसके पास जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनको चेक करना होता है, या यहाँ रैम के पास में यूज होने वाले छोटे छोटे रेजिस्टेंस को चेक करना होता है। इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि कैसे इसकी मदद से हम मदरबोर्ड के फॉल्ट को ढूंढेंगे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आप अपने मदरबोर्ड के PCI स्लॉट पे इसको कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद बोर्ड को सप्लाई से लगा दें। इसका यूज़ करते समय बोर्ड के ऊपर जो भी पावर मिसिंग होती है वो पावर आपके बोर्ड पे नहीं आ रही होती है। सारी पावर आने का मतलब क्या है कि आपका बोर्ड का पावर का स्टेटस करेक्ट है। अब बोर्ड को ऑन करने के लिए एक बार हम लोग ओके कंडीशन देखेंगे, उसके बाद किस तरह से फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे वो भी देखेंगे। तो आपके बोर्ड के ऊपर सब कुछ लगाने के बाद बोर्ड को ऑन करना होता है। बोर्ड में हमारे यानी कि PCI स्लॉट के ऊपर दीपक कार्ड का यूज़ करेंगे और ऑन करेंगे हम इसे फ्रंट पैनल से, है ना। जैसे कि आपके डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में फ्रंट पैनल बना होता है, फ्रंट पैनल के कनेक्टर बने होते हैं, उन कनेक्टर्स के द्वारा हम बोर्ड को ऑन करेंगे। यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे जो एक कोडिंग है आपका आ रहा है, ये कोडिंग अगर 7 से 8 बार ब्लिंक कर जाता है तो मतलब क्या है आपका मदरबोर्ड ओके है, ठीक है। अगर 00 कोड आता है तो 00 कोड आने का मतलब कि CPU या BIOS में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम बोर्ड को बंद करते हैं और बोर्ड को बंद करने के बाद हम आपके CPU की पावर को हटा देते हैं। CPU की पावर को हटाने के बाद आप स्टेटस देखिएगा, हमने दोबारा बोर्ड को ऑन किया। अब यहाँ पे देखें कोई भी ब्लिंकिंग नहीं हुआ, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ब्लिंकिंग नहीं हुआ, यानी कि जो बोर्ड का प्रोसेस होता है जब बोर्ड हम ऑन करते हैं, यानी जितनी बार भी जब हम बोर्ड को ऑन करते हैं तो CPU क्या करता है आपके BIOS से डाटा को उठा करके रैम में प्रोसेस करता है। तो जब CPU डाटा BIOS से लेता है तो उसको प्रोसेस करने के लिए रैम में देता है, तो ये उस समय क्या होता है कि जब डाटा का आदान प्रदान होता है तो यहाँ पे क्या होता है आपका ब्लिंकिंग, यानी सिस्टम एक कई बार वाइब्रेट करेगा, कम से कम 7 से 8 बार। अगर ये 1 से 2 बार ब्लिंक करके रुक जाता है तो मतलब आपका रैम का प्रॉब्लम है। अगर 4 से 5 बार करके रुक जाता है तो क्लॉक का प्रॉब्लम है। अगर ये 7 से 8 बार कर जाता है तो मतलब बोर्ड सही है, और अगर कंटिन्यू करता रहता है तो मतलब आपका BIOS में प्रॉब्लम है। जैसा कि हमने CPU का वायर निकाल दिया है तो यहाँ पे 00 का कोडिंग आता है। अब हम दोबारा करते हैं कि CPU की पावर को लगा देते हैं और CPU को पावर को लगा करके आपके रैम को हटाते हैं। रैम को हमने रिमूव कर दिया, तो रैम को हटाने के बाद लगाइए पावर में। यहाँ पे हमने दोबारा से बोर्ड को ऑन किया, यहाँ पे देखिए 1 से 2 बार ब्लिंक हुआ और बंद हो गया, और कोड भी दिया आपको E0 E0। तो हमने आपको बता रखा है कि E0 और C0 से लेके रिलेटेड कोई भी कोड आया वो रैम से उस समय रैम का फॉल्ट होता है, रैम को देखना होता है। इसी तरह का कोडिंग अगर आप BIOS को निकालेंगे तो BIOS में भी जाएगा। अब यहाँ पे अगर FF की कोडिंग है, यहाँ पे जो है E0 E0 की जगह अगर FF का कोडिंग है तो आपकी इस चिप का प्रॉब्लम होगा। अगर ये एरर D0 से D0 है तो पर्टिकुलर आपके CPU का या उस सेक्शन में सप्लाई का प्रॉब्लम होता है। अगर ये कोड आगे बढ़ के ब्लिंक कंटिन्यू करने लगे, जो कोडिंग आपकी आ रही है वो रुके ना, कंटिन्यू करने लगे,
तो आपके BIOS का होता है। अगर यहाँ पे पावर का है, यानी कि पावर की कोई एक वोल्टेज मिस होती है लाइक 3.35 तो आपके IC का फॉल्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं देखेंगे कि बोर्ड का ओके प्रोसेस क्या है। आप लोग कार्ड की तरफ देखेंगे ध्यान से, ऑन करने के बाद यहाँ पे कम 7 से 8 बार ब्लिंकिंग हुआ, मतलब बोर्ड आपका करेक्ट है। अब अगर हम देखें कि रैम निकालने के बाद, जैसे जो फॉल्ट हमें देखने को मिला था, तो हमने क्या किया, रैम को यहाँ से निकाला, और रैम को निकालने के बाद अब हम चेक कर रहे हैं तो हमारा कोडिंग का चेंजेस देखिएगा, यानी 1 से 2 बार ब्लिंक किया, बंद हुआ, बंद हो गया। अब इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर इस रैम के लिए सप्लाई के लिए यहाँ पे MOSFET लगे होते हैं रैम स्लॉट के आसपास, तो उस स्लॉट के ऊपर हमें क्या चेक करना होता है, वोल्टेज। अगर वोल्टेज मिल रही है तो आपकी रैम की प्रॉब्लम होती है, वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आपके MOSFET या रेगुलेटर का प्रॉब्लम होता है। वोल्टेज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर किस कहाँ पे लगाना होता है, ये सब आइडिया आप लोगों को है, है ना। चले देखते हैं कि वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वोल्टेज आपको मिल रहा है इनपुट, ये आपके रैम का आउटपुट, ठीक है, ये गेट के ऊपर वोल्टेज है और ये आपके रैम का आउटपुट है। इसके बाद जब हम रैम को लगाएंगे, यानी कि वोल्टेज मिल रहा है तो डिस्प्ले आना चाहिए, अब आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, अब आपका डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर आ जाना चाहिए, यानी प्रोसेसिंग होने के बाद, है ना। जब आपका CPU सर्च करने लगे यहाँ पे बूटिंग डिवाइस को, यानी कि सारा प्रोसेसिंग हो चुका है, अब क्या चाहिए उसको, बूट करने के लिए कोई ड्राइव चाहिए। तो अब यहाँ पे वो जैसे ही आपकी ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपके बोर्ड का कंडीशन ओके होता है, अब इसको बूट ऑर्डर चाहिए होता है, यानी कि कोई बूट करने वाली डिवाइस चाहिए होती है, और वो बूट डिवाइस आप सिलेक्ट करते हो, जैसे पेन ड्राइव हुआ, हार्ड डिस्क हुआ, सीडी ड्राइव हुआ, ठीक है। तो जब बूटिंग प्रोसेस पे आ जाए तो यानी कि मदरबोर्ड का स्टेटस क्या आपका कम्प्लीटली ओके। BIOS को निकल, BIOS की सप्लाई को हटा करके कोड देखते हैं, ठीक है। एक यूजर, तो हम लोग BIOS की सप्लाई को एक बार समझा, एक BIOS की सप्लाई को जो रजिस्टर लगा हुआ है उसको निकाल के देखते हैं, है ना। इसके पिन नंबर 8 के ऊपर जो रजिस्टर लगा होता है वही सप्लाई देता है, ठीक है। उसकी सप्लाई को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ से जो रजिस्टर लगा हुआ है, क्या आएगा, यानी कि अगर BIOS को सप्लाई न मिले तो भी आपके बोर्ड का कोडिंग क्या होगा, आपके स्टेटस क्या होगा, आपके डीपक कार्ड का, वो देखते हैं, 0। तो CPU या BIOS दोनों में से किसी को भी सप्लाई नहीं मिलने पर या प्रॉब्लम आने पर आपके बोर्ड के ऊपर 0-0 आएगा, और जो LED का स्टेटस होगा वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, करेक्ट है। ओके सर, बंद कर दीजिए। कोडिंग चेंज हुआ सप्लाई मिलने के बाद, यस सर। कोडिंग चेंज होने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आ जाना चाहिए, 7 से 8 बार कोडिंग चेंज, ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. 10 मिनट हो गया।